नमस्कार दोस्तों, आप और आपकी परिवार पूरा परिवार को मैं और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2023। दोस्तों, एक और साल वो गया समय के प्रभाव में, क्या खोया भूल जाए। एक और नववर्ष उपस्थित है बहुत कुछ देने के लिए। शर्त यही है कि इसे पाने के लिए हमारा प्रयास कितना होगा। यूं तो नववर्ष के आगमन के साथ हजारों लोग संकल्प लेते हैं कुछ नया करने का या अधूरी योजनाओं को पूरी करने का, लेकिन ऐसे कितने हैं जो ईमानदारी से इसे पूरा करने इस राह पर अविराम चल पड़ते हैं। नववर्ष पुनः एक सौगात के रूप में नवीन सौगातों के लेकर आया है। नववर्ष नव संकल्पों का वर्ष है, साथ ही आत्ममंथन की भी। आइए कुछ नव संकल्प ले स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए तथा देश के लिए, ताकि प्रभावमान समय पर अपनी अमिट छाप छोड़ सके। दोस्तों, संकल्प अपना स्वयं के लिए क्या क्या ले। प्रथम, सुख निरोगी काया का लक्ष्य रख उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रयासरत रहे। अपनी दिनचर्या नियमित रखे, समय प्रबंधन अपना कर चले। नए रचनात्मक वो विचारों का खुले दिल से स्वागत करें। जीवन की बाधाओं से विचलित होने के बजाय धैर्य, विवेक और साहस के साथ लेकर इनसे डटकर मुकाबला करें। चिंता मुक्त रहे, निराशा रूपी अभिशाप को हावी ना होने दे। नियमित योग या व्यायाम करें, नशा मुक्त जीवन जिए। जीवन का कोई श्रेष्ठ लक्ष्य बनाकर दृढ़ संकल्पित हो उसे पाने हेतु सदैव तत्पर रहे। दोस्तों, आइए परिवार के लिए संकल्प लें। परिवार में परस्पर मान सम्मान वो प्रेम भाव बनाकर रखें। बड़े बुजुर्गों को शारीरिक व मानसिक पीड़ा ना पहुंचाए। बच्चे को संस्कारवान बनाएं। उनके आचार विचार वो आहार विहार पर विशेष ध्यान दें। बेटियों बेटियों का समान महत्व दे। नारी का अपमान व शोषण ना करे। यथासंभव साथ मिलकर भजन करे। यादे यदि परिवार में कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो धैर्यपूर्वक उससे निपटने का प्रयास करें। आइए हमारा समाज के लिए कुछ संकल्प लेते हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना मनुष्य का सर्वांगीण विकास असंभव है। इसलिए सच्चे दिल से समाज की सेवा करें। समाज में व्याप्त अंधविश्वास ओ कुरीतियों से लड़ने का संकल्प ले। समाज के पिछड़े वो जरूरतमंदों की यथासंभव मदद करे। गरीब बच्चे वो अशिक्षित को पढ़ने का संकल्प ले, पढ़ाने का संकल्प ले। पर निंदा वो सामाजिक बुराइयों से बचे। दोस्तों, आइए हमारा देश के लिए कुछ संकल्प लेते हैं। नव वर्ष पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के पहल स्वयं से करें। यदि देश का हर नागरिक ये संकल्प ले तो भ्रष्टाचार से स्वतः निजात मिल जाएगी। बिजली तथा पानी की फिजूल बर्बादी पर रोक लगाने का संकल्प ले। आज पर्यावरण प्रदूषण जिस स्तर पर पहुंच चुका है वो भावी पीढ़ी के लिए घातक है। अतः पर्यावरण की सुरक्षा करें। स्वयं व लोगों को इस पर्यावरण संरक्षण की प्रति जागृत करें। भावी पीढ़ी को
संस्कारवान बनाने का संकल्प ले, तभी देश का भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद।